क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यस यस यस, नहीं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यस यस, यही ठीक रहेगा। करेक्ट, यही ठीक रहेगा। अरे तुम्हें कैसे पता चला क्या ठीक रहेगा? तुम्हें तो मालूम भी नहीं मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे जानना भी नहीं है तुम क्या सोच रही हो। कि तुमने जो रट लगा रखी ना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वो चुप हो जाओ ना, इसलिए मैंने कहा था। बाय द वे, तुम सोच क्या रही थी? आज होली है। हाँ तो जानता हूँ, उसी की तो तैयारी कर रहा हूँ मैं। ओहो, कुछ ही देर में पड़ोसी आके हमारे घर को ब्लैक एंड व्हाइट से मल्टी कलर फिल्म बना देंगे। एक जमाना था जब लोग सिर्फ अभील गुलाल से होली खेलते थे, लेकिन आज ओहो टर्पेंटाइन, वार्निश, ऑयल पेंट, न जाने कौन सी चीजों से होली खेलते थे। और तो और, कल हमारी लेडीज क्लब ने एक कॉम्पिटिशन अरेन्ज किया है, मैं और मेरा घर। उस कॉम्पिटिशन में जो औरत सबसे वेल ड्रेस्ड होगी और जिसका घर सबसे साफ होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अच्छा, ओहो, तुम कल की छोड़ो, आज की सोचो, आज क्या करेंगे? मैं वही तो कहने जा रही हूँ। क्या? आज अगर हम यहाँ होली खेले तो कल तक मैं अपने घर को तो छोड़ो अपने आप को साफ नहीं कर पाऊंगी। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बड़ी गंभीर समस्या है। लक्ष्मी तुम छोड़ो, अब सोचने का जिम्मा मैं लेता हूँ। थैंक यू। बाहर से ताला लगा देते हैं घर को और अंदर छुप के बैठ जाते हैं। जब बाहर से लोग आएंगे तो वो समझेंगे हम कहीं बाहर गए हैं और हम मजे से अंदर बैठ के पकौड़े तलेंगे और खाएंगे, फिल्में देखेंगे, एलडी देखेंगे। तुमने तो मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। आज अगर किसी ने मेरे घर में या मुझ पे एक कतरा कलर डाला होता ना तो मैं उसे कच्चा चबा जाती। दीदी, दीदी, होली मुबारक। अरे नहीं, अरे क्यों, अब इसे कच्चा चबाओ? मैं इसे कैसे कच्चा चबा सकती हूँ? क्यों, बदहजमी होने का खतरा है? नहीं, ये तो मेरा अपना खून है। ओ, तो पी जाओ। हम किसी काम से पूना जा रहे हैं, कल वापस आएंगे। अब दिन भर हम पिक्चर देखेंगे और ऐश करेंगे। ये सस्काई कर दे। और कल मैं और मेरा घर दोनों लेडीज क्लब के कॉन्टेस्ट में फर्स्ट आएंगे। ये चलो चलो चलो। दीदी दीदी होली नहीं खेलेंगे तो मजा नहीं है। ओहो याद है पिछली होली में उन्होंने मेरे बाल में इतना इतना लाल रंग डाला था कि हफ्ते भर तक बूंद बूंद बनकर टपकता रहा, और वो मोहल्ले की औरत मुझे देखकर कहती थी, देखो देखो खून भरी माँ। मेरे मुंह पे भी इतना काला रंग लगा था, कुछ दिनों तक लोग बोलते थे, ए बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गुल्लू गुल्लू, वो रंग नहीं था, वो तेरा ओरिजिनल कलर था। क्या, मैं इतना काला हूँ? अरे नहीं, तू कहाँ काला है, तेरा रंग काला है। क्या रौला पा रहे हैं, जरा वहाँ देखो तो सही। ये लोग तो बाहर गए हुए हैं पुणे, और ये तो कल रात तक आएंगे। ओहो, इनके बिना होली का क्या मजा आएगा? अभी बात सुनो, मजा तो बहुत आएगा। आपके पास इनके घर की डुप्लीकेट चाबी है ना? ले, चाबी से होली खेलनी है? हाय हाय, इस आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता। डुप्लीकेट चाबी से इनका घर खोल लेंगे, अंदर जाके होली मनाएंगे, हमारा घर भी गंदा नहीं होगा, मेरा हाउस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट भी आ जाएगा, मजे के मजे आ जाएंगे। चाला कहीं की, चल फिर मजे करते हैं। हाय, ये लोग मेरे घर का सत्यानाश कर देंगे। ओहो लक्ष्मी, कैसी बात करती हो? अरे दो लोग घर को बिगाड़ बिगाड़ के कितना बिगाड़ेंगे, जरा सोचो, अगर हम होली खेले होते तो सारा मोहल्ला यहाँ होता, फिर घर का क्या हाल होता? दूसरी औरतों के मुकाबले तुम तो ज्यादा चमकोगी। मैं चमका दूंगा। हाँ, वैसे भी सारा मोहल्ला इसे चमकता है। हाँ।
करता रहा पूरा कर आ जाए। आपने जसवंत पाजी को मार दिया। भाई फिर क्यों क्या? कृपान लिया मेरी। वही मेरी भी कृपान लिया। आज ना बस करो। कृपान लिया मेरी। और मेरी भी कृपान लिया। मैं क्या बस करो? कृपान लिया मेरी। और मेरी भी कृपान लिया। ये होली का मजा ना खराब करो। चलो। नहीं। चलो। नहीं। आज ये करता रहेगा या मैं? आज ये जसवंत रहेगा या मैं? चुप करो जसवंत पाजी, होली का मजा खराब ना करो। सारे मिलजुल के एंजॉय करते हैं, होली मनाते हैं। बच गए, वरना इस साल की भी होली का रंग बेरंग हो जाता था। और स्वाद आ गया मासी, होली का रंग जम गया। आपके साथ बात करके मजा आ गया। अंकल है ना, वो अपने सारे रिश्तेदारों को होली मुबारक बोल रहा है। तो क्या हुआ? अपने फोन से। हाँ तो क्या? अरे अब पप्पू किधर है? हाँ बुलाओ बुलाओ, मैं होल्ड करता हूँ। देखा कितनी बेदर्दी से अपना फोन यूज कर रहा है। तो क्या हुआ लक्ष्मी, हमने भी तो करतार सिंह का फोन कई बार यूज किया है। अरे लेकिन वो एसटीडी कर रहा होगा तो इसका ये होल्ड अपने को क्लीन बोल्ड कर देगा। नहीं लक्ष्मी नहीं, करतार सिंह समझदार पढ़ा लिखा आदमी है, वो किसी की भी टेलीफोन का ऐसा गैर इस्तेमाल नहीं करेगा। हेलो पप्पू, ओ यार पुत्र कहाँ है तू यार? हाँ हाँ जिंदा रहे जिंदा रहे। हाँ ओ यार तू इंडिया कब आ रहा है? इंडिया कब आ रहे हो? हाँ और मैंने अभी मामा जी को लंदन में तो मॉस्को में मासी जी को फोन करके होली विश किया। बड़ा मजा आया यार। हाँ यार तू अमेरिका छोड़ के फटाफट इंडिया आ जा। अंकल तो इंटरनेशनल अंकल निकले। आज की अनाउंसमेंट, भाग्य आ गई है। डालो जी डालो। करतार सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, टेलीफोन का बिल तो आने दे, एक एक पाई का हिसाब लूंगा मैं। दीदी मैं और मेरा घर कंपटीशन में तू फर्स्ट आएगी या नहीं ये तो बता नहीं सकता, लेकिन सबसे बड़े टेलीफोन बिल का कंपटीशन हुआ ना तू जरूर फर्स्ट आएगी देखना। मैं एक एक का कचुंबर बनाऊंगी। चुप करो, हम शांति से पिक्चर देखेंगे। ओहो ये कोई शांति का पिक्चर है? गोलियां चल रही, चैनल बदल यार। ओहो बहुत आवाज है, बहुत आवाज है। हाँ। मेरे दिमाग में इंटेलिजेंट आइडिया आ गया। इंटेलिजेंट आइडिया? हाँ। जरूर रास्ता भूल गया होगा। मैं अभी सबको भगाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पहले बता के आइडिया क्या है, क्योंकि तेरा कोई भी आइडिया न्यूक्लियर बॉम्ब से कम खतरनाक नहीं होता है। हम बताते नहीं, करके दिखाते हैं। ये देखो गोलियां चल रही है। ओए किधर बम भी फटा है। भागो भागो भागो। जरी ये मेरा आइडिया है कमाल, सब लोग भाग गए, अब डर के मारे दिन भर अपने घर में छुपे रहेंगे। गुल्लू तूने तो कमाल कर दिया। सच गुल्लू सच, मैं आज तक तुझे गलत समझता रहा, लेकिन आज मुझे भी विश। कहीं पे गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब फट रहा है, इसीलिए घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर के बाहर जाना खतरे से खाली है। सही बात है। इसीलिए हम खाएंगे पिएंगे खुशियां और होली मनाएंगे घर के अंदर, तो बोलो मेरे साथ। इन लोगों ने मेरी हॉल की तो तबाही कर ही ली, अब किचन की भी बर्बादी कर रहे हैं। देखो देखो किचन से क्या क्या लेके आ रहे हैं। देखो इन भुक्कड़ों को खाता हुआ देख के लक्ष्मी मेरे पेट में भी भूख अंगड़ाई लेके जाग उठी है। दीदी मुझे भी भूख लगी है। फिकर मत करो, मैं
अभी किचन में जाके कुछ खाने को चुरा के ले आता हूँ। अरे तुम्हें देख लेंगे तो? आंख मिचौली का मुझे बहुत लंबा तजुर्बा है। और तभी पैसा पीछे हटो। राज भाई साहब आप तो पूना खैर एनीवे होली मुबारक हो जी। बहन जी मैं राज नहीं हूँ, राज साहब की तस्वीर हूँ। फिर भी तस्वीर को होली मुबारक कहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत होली मुबारक जी। अच्छा हुआ आपने बता दिया राज भाई साहब नहीं है, राज भाई साहब की तस्वीर है, वरना मैं ना बड़े कंफ्यूज हो गई। मैं क्या राज भाई साहब का भूत है? भूत दिमाग खराब है तेरा? और राज अभी तक जिंदा है, जिंदा लोगों का कोई भूत होता है? मैं कहता हूँ तूने भंग ज्यादा पी ली है इसलिए बड़बड़ कर रही है। अरे नहीं नहीं मेरी बात सुनो, वहाँ राज भाई साहब का फोटो फ्रेम है। फोटो भूत थोड़ी होती है भाई साहब, फोटो की ना टंगे भी हैं, टंगे। ओ भाभी जी वो फुल साइज फोटो होगा जिसमें पैर दिखाई दे रहे होंगे। नहीं 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 फोटो ना इतना है पेट तक। अरे भाभी वो फोटो फुल होगी लेकिन फ्रेम हाफ होएगा। ना 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 मेरी बात सुनो, फ्रेम फुल था लेकिन फोटो हाफ थी। फोटो का हमें ट्रे है। अरे तो ट्रे हाथ में लेके फोटो गिरा। अरे मैं आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तूने ना भांग बहुत ज्यादा पी ली है इसलिए तुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। अरे मेरी बात तो सुनो, भांग मैंने नहीं भांग फोटो ने पी रखी थी। सुनो मेरी बात, आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, फोटो ने मुझे होली मुबारक कहा और मैंने उसकी ट्रे में उठा के भजिए भी खाए थे। तू क्यों हंस रहा है? आपको कंपनी दे रहा था। चुप। वो तो अच्छा हुआ मिसेज करता ने भंग पी रखी थी, किसी ने उनका यकीन ही नहीं किया। मुझे तो उस पर तरस आ रहा था। हाँ, अगर मैं पकड़ा गया होता ना तो उससे ज्यादा मुझ पर तरस आता तुम्हें। रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बरसे। हाँ। मारे पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। हाँ। रंग रसिया ओ रंग रसिया। क्या शुशु, ये तो भूख के मारे हालत खराब हो रही है। गुल्लू अगर कहीं से एक ग्लास भंग मिल जाती ना तो कम से कम पेट में ठंडक पहुंचती। अभी लाया मेरे आका। अरे कैसे? अब देखना गुल्लू की गुगली। जा मेरे शेर जा, यशस्वी भाव जा। ठीक है मैं भी लेकर आता हूं उसे। क्यों बे मर्दू, मैंने तुझसे कहा था कि हम सबके लिए भांग लिया तो तू भी उनके साथ जाके मिल गया और गुलछरे उड़ाने में कसम से चिल्ला मत मुझे चिल्लाने से सख्त तकलीफ होती समझी। तुमने भी डॉक्टर राज को देखा? हाँ। मतलब तुमने भी डॉक्टर राज की फोटो देखी? हाँ। लेकिन उस फोटो के चारों फ्रेम नहीं था तो उसने साड़ी पहन रखी थी। इसका मतलब है डॉक्टर राज के फोटो ने कुछ ज्यादा ही भांग पी रखी थी इसलिए फ्रेम से निकल कर साड़ी पहन ली होगी, है ना? शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अरे भाई ये
आपको शर्म नहीं चाहिए, भंग के नशे में आपने पराए औरत का हाथ पकड़ा। वो संभाल नहीं सकते तो पीते क्यों? अबे मर्दूत, पी तूने है और मुझे नशा चढ़ने लगा। मैं तो तुझे वहां से लेने गया था। अच्छा मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाए, यही बैठा रहे। कहीं भी हिला तो याद रखना, खुद भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। I'm sorry, जीजा जी। मैं चलता राज, कुछ करो ना, बाहर तो तबाही मची हुई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा, यहाँ बैठ। चुप चुप चुप। ये क्या करने जा रहा है? हम देखना गुल्लू का कमाल। मैं जा रहा हूँ। अबे देखा, अपनी जान जोखिम में डाल के हमें मदद करने जा रहा है। हाँ लक्ष्मी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी गुल्लू मेरी मदद करने की सोचता है ना, एक एक करके मुझे सारे भगवान याद आते हैं। अब देखना गुल्लू का कमाल। जेंटलमैन एंड जेंटलवन, मैं आ गया। अरे मैं आ गया। अरे गुल्लू निकल। अरे तुम तो पुना गया या तुम कैसे आ गया इधर? पुना तो दीदी और जीजा जी गए हुए। मैं ये होली का रंग, आपका संग, और सबसे बड़ी चीज ये भंग, ये छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे रंग दो, मुझे भंग दो। वाह वाह लक्ष्मी, कमाल का है तुम्हारा भाई, कमाल का है। जिमे आता है, जिमे आता है तुम्हारा। भगवान, ठीक है उनको बोल देना कि रमेश सुर्वे आके गया। रमेश सुर्वे? अरे लक्ष्मी, ये तो मेरा पेशेंट है जिसका मैंने ऑपरेशन किया था और जिससे मुझे 10,000 रुपए लेने। मैं कल आगरा जा रहा हूँ। मैं आया इसलिए था कि मैंने उनके 10,000 रुपए देने हैं। 10,000 रुपए? अरे तुम निकल जाने दे। अरे अरे राज, क्या कर रहे हो? क्या समझ नहीं रही हो लक्ष्मी? अगर वो आगरा चला गया तो वो 10,000 रुपए वसूल करते करते मुझे पागलखाने में जाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। अरे राज क्या कर रहे हो? क्या करूँ? मैं यहाँ से जाता हूँ लक्ष्मी। अरे रात 10,000 के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? अरे 10,000 रुपए के लिए खिड़की तो क्या, मैं कुतुब मीनार से भी कूदने के लिए तैयार हूँ। मैं चला लक्ष्मी। अरे रमेश भैया, रमेश भैया, रमेश भैया, अरे रमेश भैया कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब आप? हाँ। नहीं, वो लोग कह रहे थे कि आप पुणे गए। अरे सुनो, मजाक कर रहे होंगे, होली का दिन है ना आज। होली होली? नहीं, टीका लगाऊंगा। हाँ, ना बोलने का नहीं, होली मुबारक आपको भी। भाई वो क्या है कि आप तो सिर्फ अभिल गुलाल से होली खेलते हैं, लेकिन वो कंबक जो अंदर है ना, ऑयल पेंट से होली खेलते हैं। ऑयल पेंट से? नहीं नहीं, ऑयल पेंट है, ऑयल पेंट भी है, कहो तो लगा दूं। नहीं नहीं, अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं इससे नहीं खेलता। होली मुबारक हो आपको। अब वो आपको वो 10,000 रुपए देने आया था सुना? डॉक्टर साहब तहे दिल से आपको होली मुबारक हो। थैंक यू जी, थैंक यू। लाइए लाइए दीजिए। आपके बच्चों को, आजू बाजू वाले को, सबको होली मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा। लाइए 10,000। अरे सुनो भाई, सबको होली मुबारक हो, होली मुबारक। एक बार और होली मुबारक बोला गोली मार दूंगा, समझे? चुपचाप पैसे देने आओ तो पैसे दो, निकलो यहाँ से। पैसे देने नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ बताने आया हूँ कि मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़ के आगरा जा रहा हूँ। क्या याद है कि मैंने आपके 10,000 देने हैं? मुझे याद है, इतना कहने के लिए तुम आए थे। हाँ, और इसके लिए मैं वहाँ से नीचे और वापस। लक्ष्मी